आज हम ऐसे देश के बारे में बताएंगे कि जिसके पास किसी भी प्रकार का सैन्य दल नहीं है तो भी सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आइसलैंड के बारे में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे कि आपको वीडियो देखने के बाद एक बार आइसलैंड जाने की इच्छा जरूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइसलैंड में रहने वाले लोग भिक्षुक थे जो आयरलैंड से सन 800 में यहाँ पर आए थे। आइसलैंड यूरोप का ब्रिटेन के बाद दूसरा और विश्व का 18वां बड़ा द्वीप है। जून और जुलाई दो ऐसे महीने हैं जहां आइसलैंड के आसमान में सूर्य दो महीने तक लगातार अस्त नहीं होता है, यानी कि दो महीने रात ही नहीं होती है। वहां के लोगों का कहना है कि इन दो महीनों में गोल्फ खेलने का अपना अलग ही मजा है। आइसलैंड में सबसे ज्यादा कोका कोला पी जाती है। आइसलैंड में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कई ज्यादा है, जिसके कारण वहाँ की सरकार ने तमाम स्ट्रिप क्लब और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर बैन लगा दिया है। आइसलैंड की राष्ट्रीय रमत हैंडबॉल है। आइसलैंड के लोग सिर्फ कुत्ते बिल्ली ही नहीं पालते हैं, बल्कि सांप, अगजर, कछुआ और छिपकली भी पालते हैं। हालांकि यह कानूनी अपराध है। आइसलैंड में कई झरने हैं, लेकिन इन झरनों में नहाने के लिए एक शर्त है। इसके अंदर नहाने के लिए आपको बाहर नहाना होगा, वो भी बिना कपड़ों के। आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगेगी, लेकिन उनके लिए हाइजीनिक का मामला है, जिसके साथ वो 1% भी कोताही नहीं परखते हैं। आइसलैंड में लगभग हर 4 साल में एक बार ज्वालामुखी फटती है। आइसलैंड में पुलिस गन नहीं रखती है, क्योंकि यहाँ जुर्म होने की संभावना ना के बराबर है। फ्रांस के बाद आइसलैंड एक और ऐसा देश है जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते हैं। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पर एक भी जंगल मौजूद नहीं है। आइसलैंड में आपको एक भी एमसी डोनाल्ड की रेस्टोरेंट देखने को नहीं मिलेगी। आज भी वहां पर रहने वाले लोगों का मानना है कि वहां के कुछ स्थानों पर छोटे छोटे कद के लोग रहते हैं, जिनके पास अविश्वसनीय जादुई ताकत है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो किसी को पता नहीं है। आइसलैंड में किसी भी व्यक्ति का सरनेम नहीं है। वहाँ नाम रखने की एक अलग नॉर्डिक परंपरा का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें माता या पिता के नाम के पहले अक्षर में सन या डॉटर जोड़ दिया जाता है। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।